देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा रोजगार की बात को लेकर युवाओं को स्वरोजगार के अंतर्गत की बात को लेकर अब राजनीति हो रही है। जहां एक और अमित शाह द्वारा युवाओं को बैंक से लोन देकर स्वरोजगार की ओर जाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, वहीं अब राजनीति दल युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की बात को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में पकौड़ा तलकर आरोप लगाते हुए कहा कि आज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार क्या केवल पकौड़ा तलने तक ही सीमित रह गया है। इतना पैसा खर्च कर इंजीनियर से लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले लोगों को मोदी जी ने अपनी घोषणा के अनुसार नौकरियां ना देकर उनको सड़क पर पकौड़े बेचने के लिए कहा है। क्यों नहीं मोदी जी देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को बंद कराकर उनको पकौड़ा बेचने के लिए कहें। आम आदमी पार्टी इस पर उग्र आंदोलन करेगी। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में अपना चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने एक जुमला छोड़ा था कि मैं हर साल अगर हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो हर साल युवाओं को 1 करोड़ का रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन 3.5-4 साल बीतने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर कोई युवा किसी दफ्तर के बाहर ठेले पे पकौड़े बेचता है तो वो भी दिन के 200 रुपये कमा लेता है। इस तरह से मैं समझती हूँ कि देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत ही मतलब भद्दा मजाक है। तो क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश करने की बजाय इस तरह तो सारे IIM, सारे IIT, सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था पहले ही बदहाल स्थिति में है, हमारे युवा पहले ही बेरोजगार हैं। तो क्या पकौड़ा योजना जो उन्होंने बनाई है तो हमारे युवा ये समझे कि अब देश में नौकरियां नहीं मिलेगी और हमारे प्रधानमंत्री की जो सलाह है उसको मानते हुए हम सिर्फ पकौड़े तलें और अपने परिवार का पेट पालें। देख रही है प्राइम स्टोरी।